तो कह रहा है यू मेक वैलिड पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स के माय मेरे पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ जब से, मैं वो कह रहा है कि यू मेड अ वैलिड पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। सो हे वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आस्क चैट जीपीटी टू विच प्लेटफॉर्म इज बेटर टू लर्न डेटा एनालिसिस। सो हियर वी स्टार्ट एंड विच को एंटर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खुद का एक पर्सनल रिव्यू देना चाहूँगा कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मोड। देखो ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि हम ऑनलाइन बड़े बड़े क्रिएटर से सीख सकते हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जिन्होंने किसी बड़ी कंपनी के अंदर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर काम किया होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ सीख सीख के हम अपना नेटवर्क कनेक्शन भी बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर, पर की बजाय जो हमारा ऑफलाइन मोड होता है, इस ऑफलाइन मोड के अंदर हम सिर्फ एक सीमित एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, चार दीवार के अंदर रहते हैं और हम एक सिंगल पर्सन से सीखते हैं, जिसको जितनी नॉलेज है वो उतना ही बताएगा। अगर उसको ए से लेके डी तक आता है तो ए से लेके डी तक ही बताएगा, ए से लेके जेड तक नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि एक अकेला पर्सन कितना बता पाएगा यार, नॉर्मल सी बात है, एक अकेला बंदा कितना बता पाएगा। पर की बजाय अगर आप ऑनलाइन मोड में सीखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपने डाउट्स ग्रुप में डाल सकते हो, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ है लिंक्डइन के अंदर, ट्विटर के अंदर, उनको ज्वाइन करके आप उसमें अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो ऑनलाइन मोड के अंदर। फॉर मी द ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन मोड। सो नाउ आस्क विद द चैट जीपीटी नाउ एंटर। सो ही इज थिंकिंग, ये कह रहा है कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस, ठीक है। इसको पहले पूरा करण देते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बोल दिया तो उसका मतलब क्या है कि अब ये खत्म करने वाला है। सो तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स हैव देयर ओन एडवांटेज एंड कंसीडरेशन व्हेन इट कम टू लर्निंग डेटा एनालिसिस। लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑप्शन। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मोड। तो फ्लेक्सीबिलिटी होती है, क्योंकि फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कहीं भी किसी भी टाइप का कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम हम समझ सकते हैं, ठीक है, बस एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। वैरायटी एंड रिसोर्स, वैरायटी बहुत मिलती है, रिसोर्स की वैरायटीज बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन मोड के अंदर। तो ऑनलाइन मोड के अंदर हम वाइड रेंज ऑफ रिसोर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज, क्विजेस एंड फोरम्स। दिस रिसोर्स कैन एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रोवाइड द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। समझ गया, हो गया, वाइड रेंज ऑफ हमें वैरायटी मिलती है। और कम्युनिटी इंटरेक्शन, तो मैंने आपको पर्सनल जो मैं बताया था सजेशन, उसमें भी मैंने कहा था कम्युनिटी से हम ज्वाइन कर सकते हैं, इनसे हेल्प आ सकते हैं और अपना जो नेटवर्क गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव ऑप्शन कम्युनिटीज ऑफ फॉर्म्स जो कैन इंटरेक्ट फेलो लर्नर्स, आस्क क्वेश्चन एंड सीक फॉर हेल्प, ठीक है। तो अप टू डेट ऑनलाइन कॉन्टेक्ट के ऑनलाइन मोड के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ से अप टू डेट रहते हैं, ठीक है, अप टू डेट रहते हैं हम हर एक चीज़ से। अगर मान लो किसी ने कोई नया कोड बनाया है तो वो क्या करेगा, अभी कुछ नई अपना कोई क्वेश्चन सोल्व करके उसने नई तरीके से कोई क्वेश्चन सोल्व किया, वो क्या करेगा बंदा उस कम्युनिटी में डाल देगा, शेयर करेगा, जिससे कि क्या होगा कि उस कम्युनिटी से जुड़े जितने भी और अदर लोग हैं उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम हर एक चीज़ से अप टू डेट रहते हैं उस कंटेंट से। अब आते हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, तो क्या होता है कि इन अ पर्सन इंटरेक्शन होता है, ऑफलाइन लर्निंग सच अटेंडिंग वर्कशॉप कोर्स एंड बूट कैंप्स ऑल ओवर द फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंस्ट्रक्शन एंड पी टू पी दे कैन वैल्यूएबल आस्किंग मेन क्वेश्चन एंड एंगेजिंग इन ग्रुप्स डिस्कशन एंड रिसीव द पर्सनलाइज्ड फीडबैक। समझ गए होगे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उस बंदे का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क बता रहे कि भाई अगर आपके पास कोई किसी ऑफलाइन अकेडमी में या किसी सेंटर में जाते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे आपके जैसे और जॉब सीकर आते हैं और भी सीखने वाले आते हैं, तो उनके साथ अगर आप रहोगे तो उनके कनेक्शन से आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा, कोलेब्रेशन मिलेगा, मेंटरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब कि सीधी वाली सिफारिश हो सकती है। और स्ट्रक्चर लर्निंग एनवायरमेंट, ऑफलाइन मोड टिपिकली फॉलो द स्ट्रक्चर कम्स करिकुलम विद प्री डिफाइंड टाइमलाइंस। देखो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर वे से एक टाइम के अंदर काम करवाते हैं वो, जैसे कि ये टॉपिक ए 4 दिन के अंदर होना चाहिए, टॉपिक बी 2 दिन के अंदर होना चाहिए, टॉपिक सी थोड़ा हार्ड है तो वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए। इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से बता रही है। तो फॉर मी द ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन मोड बिकॉज फ्लेक्सीबिलिटी है, बहुत सारी रिसोर्स मिलते हैं, ठीक है। कम्युनिटी से हम ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और कोई भी कंटेंट है उससे हम अप टू डेट रह सकते हैं। पर ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि अगर किसी बंदे कोई टीचर, वो एक ही टीचर से आप कितना सीख पाओगे, वो तो जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही करवा पाएगा, वो ज़्यादा नहीं करवा पाएगा, ठीक है, की बजाय ऑनलाइन मोड के। इसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। What do you think
व्हाट योर पर्सनल तो हमने से पूछा कि आप अपना एक पर्सनल पिक्चर दो कौन सा बढ़िया है। तो देखो अब ये पढ़ना क्या लिखोगे, तो ये क्या कह रहा है कि एन ए तो छोड़ो, ये तो कह रहा है कि भाई एआई हूँ मैं तो कुछ पर्सनल एडवाइस नहीं है। तो फिलहाल वो ये कह रहा है ऑनलाइन लर्निंग हैज गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी वैरायटी ऑफ रिसोर्स एंड एक्सेस टू अप टू डेट कंटेंट इट अलाउज लर्नर टू स्टडी इन देयर ओन पेस वाइड रेंज ऑफ मटीरियल इनवर्टेड कॉमास वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम online communities we can grow our network online platform has often provide interactive exercise and quizzes to reinforce learning on the other hand kya hai one experience networking opportunity structured learning environment this mode can be advantage for individuals who prefer face to face ye bas unke liye sahi offline mode se kya keh raha hai ki unke liye sahi hai unke liye theek hai jo face to face interaction karke hi samajh sakte hain aur practical exercise jo karte hain matlab ki kisi ki guidance jo seekhna preference karte hain unke liye to bhai offline mode hi better hai the better word the better option depending on specific preference learning style agar aapko thoda sa kisi guide ke through hi agar aapko padhna sahi lagta hai to aap offline mode ko choose kar sakte ho otherwise agar aapko zyada seekhna hai to aap online mode ko bhi prefer kar sakte ho to ye to kaise aur puch lete hain I think online is much better than offline mode because we can learn from different community and different big creators and wide resources there as well as we can grow our network at last we ask him what do you think तो इसे मैंने पूछा है कि भाई बताओ क्या है इसका जवाब, तो चैट जीपीटी क्या सोचता है। तो एक तो कह रहा है यू मेक वैलिड पॉइंट्स मेरे पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ जब से मैं वो कह रहा कि यू मेड वैलिड पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग द ऑनलाइन मोड access the vast areas of resources including various community platform and in future creators these resources can provide this diverse perspective and insight into data analysis enabling the learner the benefit of the wide range of expertise online learning allows a networking opportunity on a global scale aur kya chahiye bhai online mein agar aapki opportunity agar global scale pe mil rahi hai agar aap apne online seekh ke apne jo projects अपलोड कर रहे हो तो ग्लोबल स्केल में आपको पसंद किया जा रहा है, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से और नए नए लोगों से आप मिल रहे हो, नया नया सीख रहे हो, और क्या चाहिए भाई कनेक्टेड विद द प्रोफेशनल्स। वहाँ पर क्या है ऑफलाइन मोड में सिर्फ एक ही बंदा उसको जितना आता है उतना ही कराएगा, और उसको जो नहीं आता वो ऑनलाइन देखेगा, यूट्यूब देखेगा, चैट जीपीटी करेगा, क्या करेगा, बुक देखेगा, कुछ भी करेगा, वो बस आपको एक चीज़ फालतू बता देगा, दो चीज़ फालतू बता देगा, 10 चीज़ फालतू बताएगा, 100 चीज़ फालतू बता देगा, पर जितना ऑनलाइन मोड बता पाएगा पर वो अकेला बंदा उतना नहीं बता पाएगा। ऑनलाइन में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, भाई साहब समझ गए, ठीक है। एंड द पोटेंशियली ओपन डोर्स टू कोलैबोरेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी और एट ग्लोबल लेवल, ठीक है। मोर ओवर कन्वेंस और उससे भी ज़्यादा भाई कन्वेंस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन लर्निंग कैन बी एडवांटेजेस, ठीक है। आप आई होप आप अब समझ गए होंगे कि मैं ऑनलाइन मोड के फेवर में क्यों रहता हूँ। ऑनलाइन मोड के फेवर में इसलिए रहता हूँ क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से सीख सकते हैं, हमें बड़े बड़े क्रिएटर लोग मिलते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो काम कर जो मल्टी लेवल इंडस्ट्री पे जो उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो रियल डेटा है उस पर जो बंदा काम कर रहा है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है। और क्या होता है और आपकी एक नेटवर्क बनता है आपका अगर आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। लिंक्डइन में मेरे ऐसे कई सारे कनेक्शन हैं जो ऑनलाइन सीखते हैं और अपना नेटवर्क बढ़ा के वहीं से वहीं के वहीं प्लेस हो रहे हैं। तो वैसे अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अगर आप साथ के साथ करते हो तो ये और ज़्यादा बेटर रहेगा, पर अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन को भी आप कम ना समझो। सो आई होप आपको आज की ये चैट जीपीटी से थोड़ी बहुत वार्तालाप पसंद आया होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं चैट जीपीटी से ऐसी डेटा एनालिसिस के बारे में नए नए क्वेश्चंस पूछता रहूँगा और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो थैंक यू।